हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से सैमसंग मोबाइल के फोन में जो कि नेटवर्क मोड है उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को नहीं पता होता है तो मैं बता दूँ ये नेटवर्क मोड होता क्या है। फ्रेंड्स, ये सभी फीचर्स सभी फोन में होता है और ये फीचर्स इसलिए दिया जाता है 3G 4G 2G, और ये नेटवर्क होता है। तो अगर आपका स्पीड कम आ रही है तो आपको चेक करना चाहिए 2G पे तो नहीं सेट है, 3G पे तो नहीं सेट है, यानी कि LTE, VoLTE और ये सब वगैरह जो होता है उस पे तो सेट नहीं है। तो आपको वो सेटअप करना आना चाहिए, तो आपको पता भी होना चाहिए, वहां से स्पीड का भी आपका फर्क पता चलता है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से आप इस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने सैमसंग के डिवाइस में। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे कनेक्शन आपको दिखेगा, वाईफाई कनेक्शन, वाईफाई का ऐसा निशान होगा और वाईफाई ब्लूटूथ फ्लाइट मोड एंड डेटा यूजेस लिखा होगा इसके नीचे, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ जाता है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ सेपरेटली, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मोड के ऊपर जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है डेटा रोमिंग का ऑप्शंस और यहाँ पे देखने को मिलता है नेटवर्क मोड। तो इस मोड का इस्तेमाल करना होता है, जैसे LTE हो गया और यहाँ पे हो गया आपका कि आपका 2G हो गया, 3G हो गया और 2G 3G दोनों एक साथ मिला हुआ हो गया, या और यहाँ पे सभी नेटवर्क को कैच कर लिया। तो मेरे हिसाब से आपको LTE पे रखना चाहिए या फिर आपको यहाँ ऊपर वाले ऑप्शंस पे रखना चाहिए, और सबसे अच्छा रहेगा कि ऊपर वाले पे रखें, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो जैसे कि बादल कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है तो बारिश भी उसी तरीके से होता है, तो इसी तरीके से आपको नेट भी की स्पीड मिलेगी, जहां पे आपका अच्छी सर्विस मिलेगी तो आपका सिम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर LTE पे करेंगे तो जहां पे सिर्फ 4G नेटवर्क होगा वहीं पे कनेक्ट करेगा, नहीं होगा तो ये सिम बंद हो जाएगा, यानी कि वन टावर पे आ जाएगा। तो इस चीज का जानकारी बहुत लोगों को नहीं थी और आप लोगों को होना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज सब कोई देखा है लेकिन इनका मतलब बहुत लोगों को नहीं पता था। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।